Assalamu alaikum friend, how are you? Hope you are good. Today we are going to do the exercise of chapter 18. Let's start from exercise A. देखते हैं एक्सरसाइज को. अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द सेंटेंस. ये आपको होमवर्क था, चेक कर लीजिए. एडवर्ब ऑफ मैनर को आपको अंडरलाइन करना है. एडवर्ब ऑफ मैनर को पूछने के लिए हम वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं. हाउ, जैसे ही ड्रॉव. ड्रॉव ये वर्ब है, इसे पूछे कि हाउ, किस तरीके से ड्रॉव किया, तो ऐसे निकल कर आएगा डेंजरस. तो सबसे पहले सेंटेंस आपको डेंजरस के बाद अंडरलाइन कर लेना. सेकेंड है द हंग्री कैट एट. एट आपका वर्ब है. क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ, किस तरीके से खाई, तो आंसर निकल कर आएगा क्विकली. तो सेकेंड आपका हो जाएगा एडवर्ब क्विकली. थर्ड ही वेंट डाउन द स्टेयर. ही वेंट आपका वेंट नाउन डाउन या आपका वर्ब है. तो किस तरीके से गए, तो ऐसे अब गए, तो ऐसे निकल कर आएगा नॉइजली, आवाज के साथ. तो आपका हो जाएगा थर्ड में नॉइजली. फोर्थ पर आते हैं. फोर्थ आपका इट रेंट हैवली फॉर मेनी डेज. रेंट ये आपका वर्ब है. इससे क्वेश्चन पूछते हैं हाउ रेंट, तो ऐसे निकल कर आएगा हैवी. बारिश कैसी हुई, हैवी. फिफ्थ है, फिफ्थ सेंटेंस में आपका है ही पॉलिश द शूज अंटिल दे शोन ब्राइटली. यहां पर पॉलिश आपका वर्ब है. इससे क्वेश्चन पूछते हैं किस तरीके से पॉलिश की, तो आंसर निकल कर आएगा ब्राइटली. जूते की पॉलिश किस तरीके से हुई, ब्राइटली, बिल्कुल चमका. सेवन में आते हैं. सेवन को देखते हैं. शी स्पोक. स्पोक आपका वर्ब है. इससे क्वेश्चन पूछेंगे हाउ स्पोक, किस तरीके से स्पोक की, किस तरीके से बोली, तो आंसर निकल कर आएगा बिल्कुल सॉफ्टली, नरमी के साथ. सो ये सेवन है. सिर्फ आपका छूट गया है. पीटर किक्ड. किक्ड आपका वर्ब है, तो पूछा जाए कि किस तरीके से किक्ड, हाउ किक्ड, तो आंसर निकल कर आएगा स्विफ्टली, तेजी के साथ. एट को देखते हैं. द बेबी स्लीपिंग. बेबी सो रही, किस तरीके से स्लीपिंग, ये आपका वर्ब है. इससे पूछेंगे हाउ, तो आंसर निकल कर आएगा साउंडली, तो साउंडली आपका एडवर्ब हो जाएगा. सेम इसी प्रोसेस से नाइन्थ और टेंथ को भी आप कर लेंगे. देखते हैं एक्सरसाइज बी को. अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन सेंटेंस बिलो, देन से वेदर देयर आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस. राइट टाइम और प्लेस इन दिस केस. इसमें देखिए सेंटेंस में क्या कह रहा है, बी में क्या कह रहा है. कह रहा है कि आपको अंडरलाइन करना है एडवर्ब को. सेंटेंस में जो भी एडवर्ब्स है उसको अंडरलाइन करना है. उसके बाद ये बताना है कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब ऑफ टाइम है. एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा तो इस प्लेस पर आपको प्लेस लिख देना है. टाइम होगा तो सिंपली आपको टाइम लिखना है. जैसे पहला सेंटेंस है द स्टूडेंट्स इज कमिंग लेट. द स्टूडेंट इज कमिंग लेट. यहां पर एडवर्ब सबसे पहले फाइंड आउट करना है. एडवर्ब क्या है, तो हम वर्ब से फाइंड आउट करें. वर्ब से क्वेश्चन पूछ कमी. अगर प्लेस होगा तो आंसर निकलेगा वेयर से. अगर टाइम होगा तो आंसर निकलेगा व्हेन से. इसमें पूछना है व्हेन और वेयर. तो क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन कमी, आंसर निकल कर आएगा लेट. तो यहां पर क्लियर हो रहा है कि आपका जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा, लेट होगा. अब इसे बताना है ये प्लेस को बताता है या टाइम को बताता है. अगर हम कहते हैं लेट जल्दी, किसको बताता है, प्लेस को तो बताता है, टाइम को
ब्रैकेट में हम लिख देंगे चार। नेक्स्ट आपका है टू द पुलिस विल कैच द थीफ सून। यहां पर सेंटेंस में वर्ब आपका है कैच, पकड़ना। तो क्वेश्चन पूछेंगे फिर कब पकड़ा, तो यहां पर कोई भी आंसर नहीं निकल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं वेयर, सॉरी वेन, कब पकड़ा, का आंसर निकल कर आ रहा है सून, तुरंत पकड़ा। कब पकड़ा है आपको बता रहा है सून, तो सून आपका ये एडवर्ब होगा। और ये किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है, सिंपली यहां पर आपको लिखना है चार। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड वन। थर्ड वन पर देखते हैं द कंसर्ट विल टेक प्लेस हियर। यहां पर आपका वर्ब जो है टेक, जिससे क्वेश्चन पूछेंगे वेन टेक, तो आंसर निकल कर आएगा कुछ नहीं यहां पर। इसी से क्वेश्चन पूछेंगे वेयर, कहां पर, तो आंसर निकल कर आ रहा है हेयर, यहां पर। तो पैरिस में आपका जो एडवर्ब है वो क्या है, हेयर। और ये किसको बता रहा है, प्लेस को बता रहा है, ये हो जाएगा प्लेस, ये प्लेस बताता है और ये टाइम, ये जवाब नहीं कर रहा है, इस वजह से ये प्लेस को बता रहा है। इस तरीके से इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी कर लेंगे। ये थी एक्सरसाइज की बातें, एक्सरसाइज थ्री पर। सी को देखते हैं ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द वर्ब एंड आस्क द क्वेश्चन व्हेन, देन अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ टाइम व्हिच आंसर द क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले आपको वर्ब को सर्कल करना है, और सर्कल करने के बाद उससे क्वेश्चन पूछना है व्हेन, और जो आंसर निकल कर आएगा उसको अंडरलाइन करना है। तो पहला सेंटेंस है ट्राई टू फिनिश द वर्ब टुडे। यहां पर ट्राई जो है वो आपका वर्ब, इससे क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन, When try, तब try करो, तो आंसर निकल कर आ रहा है टुडे, आज ही के दिन try करो। तो टुडे क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब होगा जिसको आपको अंडरलाइन कर लेना। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, सेकेंड है वी विजिटेड द ओल्ड एज होम यस्टरडे। इसमें वर्ब की बात की जाए तो आपका वर्ब है विजिटेड। इस विजिटेड से क्वेश्चन पूछेंगे व्हेन विजिटेड, कब विजिट किए, तो आंसर निकल कर आ रहा है यस्टरडे, कल विजिट किए, तो यस्टरडे आपका एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब क्या है जो चाल को बता रहा है। थर्ड को देखते हैं मेनी गेस्ट अराइव अर्ली, यहां पर आपका जो वर्ब है वो क्या है, अराइव है, इसको आप सर्कल कर लेंगे और अराइव से क्वेश्चन पूछेंगे व्हेन अराइव, कब अराइव किए, तो आंसर निकल कर आ रहा है अर्ली, बहुत जल्द सुबह ही अराइव किए, या सुबह नहीं इस मॉर्निंग में भी निकलेगी, जल्द ही अराइव किया, यानी जल्दी आंसर निकल कर आएगा अर्ली। तो इसी तरीके से इसके फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ को भी कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स। अब देखिए बॉक्स में कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको नीचे जो सेंटेंस है उसमें ब्लैंक स्पेस में आपको फिल करना है। पहला सेंटेंस देखते हैं यू शुड आंसर द पुलिस मैन, हमें तुम्हें पुलिस मैन का जवाब देना चाहिए, क्या होगा, तो पुलिस मैन का जवाब कैसे दिया जाएगा, ईमानदारी से दिया जाएगा, कैसे यहाँ पर यूज होगा ऑनेस्टली। तो पहले का आएगा आपका ऑनेस्टली, सेकेंड ही इज ड्राइविंग बिकॉज इट इज रेनिंग, कह रहा है कि वो ड्राइव कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है क्योंकि इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, तो जब बारिश हो रही है तो कैसे गाड़ी चलाएगा, बहुत ही ध्यान से, जिसमें यह शुरू होगा केयरफुली, बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, थर्ड है आपका
The prince and princess lived. Prince or princess, राजकुमार और राजकुमारी रहती थी. देयर आफ्टर, उसके बाद से कैसे रहती थी? राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी कैसे रहते? बहुत ही खुशी के साथ रहें. इसमें यूज होगा आपका हैप्पी. फोर्थ और लास्ट देखते हैं. द कार क्रैश इनटू अ ट्री. कार जो है ट्री से जाकर क्रैश कर गई, टकरा गई. बट डैश द ड्राइवर वाज नॉट हर्ट. लेकिन ड्राइवर को कोई चोट नहीं हुई, ड्राइवर हर्ट नहीं हुआ. यहाँ पर क्या हुआ? गाड़ी जाकर ट्री से टकरा गई, फिर भी किस्मती से ड्राइवर को कोई चोट नहीं हुई. तो यहाँ पर आप ड्राइवर का फॉर्चुनेटली. तो किस्मती से उसे कोई भी चोट नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज होता है फॉर्चुनेटली. तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है. ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. इसकी बाकी एक्सरसाइज जो बची हुई है उन्हें आप कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम.